स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो एक और नए सीरीज में। और जो पिछला सीरीज था यार वो रुक गया है, खाली सिर्फ ट्रेन ब्लॉग आया था, क्योंकि यार मेरा पिछला फ़ोन ख़राब हो गया था तो मैं डाल नहीं पाया। मैं डाटा रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही डाटा रिकवर हो जाएगा मैं फिर से विंध्याचल वाली सीरीज़ डाल दूँगा। उसकी 3 वीडियो अभी भी बच रही है। मैं उस वक्त भी बनारस गया था, और जो हम जा रहे हैं फिर से हम बनारस जा रहे हैं, और जिस ट्रेन से हम जर्नी करने वाले हैं उस ट्रेन का नंबर है 02436, यानी हम वंदे भारत से जर्नी करने वाले हैं, जो कि सुबह नई दिल्ली से सुबह 6 बजे चलती है और आपको उसी दिन 2 बजे बनारस पहुंचा देती है। मैं अभी नई दिल्ली पे पहुंचा हुआ हूँ। मैंने भाई ऊबर कर लिया था कि क्योंकि भाई रात को मेट्रो वेट्रो चलती नहीं है, तो मैंने ऊबर कर लिया था और ऊबर वाले ने मेरे को यहाँ पे 15 से 20 मिनट में पहुँचा दिया। और ऊबर का जो फेयर आया था वो 190 रुपये आया था, और भाई ऊबर वाले ने चाय वाय पिला दी थी सुबह सुबह सीपी में। और ये देखो मैं नई दिल्ली पहुंच चुका हूं, पीछे दिख रहा होगा स्टेशन, और बस हमारी जर्नी शुरू होने वाली है। वंदे भारत अभी 6 के 6 दिन रन कर रही है, जो कि आप लोगों को 8 घंटे में बनारस पहुंचा देगी। और पहली बार मैं भी वंदे भारत से जर्नी कर रहा हूँ, तो जो भी एक्सपीरियंस रहेगा भाई आप लोगों के साथ शेयर में ज़रूर करूँगा, और जितनी फुटेज बनेगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अपना ये ट्रिप 1 हफ्ते का होने वाला है। मैं बनारस मेन देव दिवाली देखने जा रहा हूँ, जो कि वहीं पे बनती है, और जो पिछले साल देव दिवाली बनी थी वहाँ पे तो उसमें टोटल 15 लाख दिए जले थे। इस बार देखते हैं भाई क्या हाल रहेगा, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से भी काफ़ी कुछ बदल गया हर एक जगह, और बनारस भी काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी कुछ नया बन रहा है टूरिज़म के लिए, ताकि ज़्यादा टूरिज़म अट्रैक्ट हो सके। तो भाई स्टेशन के अंदर चलते हैं, आप लोग का स्टेशन का हाल दिखाता हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 4:30, मैं यहाँ 1.5 घंटे पहले पहुँच चुका था। चलिए आप लोगों को अंदर लेके चलता हूँ। और पहले मेट्रो भाई 5:05 से शुरू हो जाती थी, लेकिन इस महामारी के दौरान मेट्रो का टाइम भी चेंज हो गया है, जो कि अब 6 बजे के बाद ही चलती है। और ये जो टनल है भाई ये भूमिगत बंदों के लिए, मतलब ये देखो सामने मेट्रो है, जो भी मेट्रो से उतरेगा वो डायरेक्ट फिर स्टेशन के अंदर चला जाएगा। और इसी तरफ है टैक्सी स्टैंड, और ये मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन भी है। और अपनी ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे, जो कि मैं पहुँच चुका हूँ, अजमेरी गेट साइड पड़ेगा ये आप लोगों को। और भाई स्टेशन अभी काफ़ी ज़्यादा खाली खाली है, अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये भाई अगर ज़्यादा लगेज है तो इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग। भारत में भाई अपना कोच है C1 और सीट नंबर है 36, जो कि अपने को मिला है भाई मिडल सीट, और हम जर्नी कर रहे हैं चेयर क्लास में। भाई स्टेशन पे थोड़ी बहुत भीड़ जमा होने लगी है, सुबह के भाई 5:01 हो चुके हैं अभी यहाँ पे। अपनी ट्रेन अभी तक लगी नहीं है, देखते हैं कब तक लगेगी। बंदे तो कह रहे हैं 1 घंटे पहले भाई लग जानी चाहिए थी, अभी तक लगी नहीं है। अपनी ट्रेन का भाई नंबर भी आ गया, अभी पहले नहीं था, अब आ गया है इतना नंबर भी। नासिक रोड के रास्ते छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जाने वाली गाड़ी क्रमांक 02138 फिरोजपुर कैंट छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पंजाब मेल स्पेशल। अब थोड़ी ही देर में ये गाड़ी प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से चलने वाली है। गाड़ी चलने के बाद कृपया चलती गाड़ी पकड़ने का प्रयास ना करें, ये खतरनाक है। आपकी यात्रा आनंदमयी एवं सुखद हो, धन्यवाद। वैष्णो देवी जाने वाली भाई वंदे भारत लग चुकी है, प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे फिरोजपुर कैंट लगेगी इलाहाबाद वाली। हाँ भैया, श्री माता वैष्णो देवी पटना वंदे भारत स्पेशल बाय लुधियाना जंक्शन जम्मू तवी विल डिपार्ट एट इट्स शेड्यूल्ड टाइम 6 आवर्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 14। कृपया ध्यान दीजिए। Thank you.
अपना कोच भाई सबसे आगे लगा और मैं सबसे पीछे था, अभी तक गेट भी नहीं खुले हैं। गेट खुल गए हैं भाई, अब अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ अंदर से कैसा है ये। सामान अंदर रख लिया है भाई और जो अपना सीट है वो 36 है, आप लोगों को मैंने दिखाई दिया है। बाकी जो भी अंदर की फुटेज है अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ भाई। अंदर से काफ़ी अच्छा लग रहा है, लाइटिंग भी काफ़ी सही है, रेडिंग लाइट भी दी हुई है जो कि अभी तक ऑन ही है, बस शीशे थोड़े गंदे हुए पड़े हैं, तो देखते हैं बाहर की फुटेज कैसी आती है। बाकी सब कुछ अंदर परफेक्ट है, दिखा दूँगा अभी अंदर से आपको। ट्रेन भाई डोर ऑटोमेटिक है। अभी तो भाई आधे 8 घंटे ट्रेन में ही रहने हैं, तसल्ली से दिखाऊंगा अंदर क्या क्या है। स्क्रीन विस्क्रीन सब कुछ लगा हुआ है कि मतलब ट्रेन ऑन टाइम है कि नहीं है, हर एक शेड्यूल बताया जाएगा। लैग स्पेस भाई थोड़ा और होना चाहिए था, इस पर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है लैग स्पेस। बाकी भाई हर एक चीज़ लगेज वगैरह रखने के लिए ऊपर पूरी जगह। फ्लोरिंग भी बड़ी मस्त है, सामने सब कुछ स्क्रीन पर दिखाएगा। इधर भाई दोनों जगह कैमरे लगे हुए हैं और गेट ऑटोमेटिक है, अभी बंद होने वाली है, 6 मिनट रह गए हैं खुलने के लिए। बस अब नई दिल्ली से निकलने ही वाले हैं थोड़ी देर में। ये देखो भाई ये जो स्क्रीन है इस पर सब कुछ दिखाएगा कि अगला कौन सा स्टेशन है, कितनी दूर और रह गए हैं, कितनी स्पीड में ट्रेन चल रही है, मतलब सब कुछ इसमें इस वाले स्क्रीन में दिखा देता है। एक आगे एक पीछे, ऊपर देखो भाई दोनों तरफ लाइटिंग लगी है और एसी के लिए जगह छोड़ रखी है। तो ये भाई टीटी साहब है, जिन्होंने टिकट चेक नहीं करी लेकिन फिर भी जिन जिन पे डाउट था उन पे चेक कर रहे थे नाम वाम। और ये भाई काफ़ी कुछ बदल गया भाई वंदे भारत में, मतलब जो भी पहले वेलकम ड्रिंक या फूड वूड मिलता था अब कुछ भी नहीं मिलता है। आप जो भी ड्रिंक देख रहे हो या आपको खुद परचेस करना पड़ेगा। और अपनी ट्रेन भाई अभी 131 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चल रही है, लेकिन भाई अंदर ऐसा एहसास नहीं हो रहा कि ट्रेन इतनी तेज़ी से भाग रही है जैसे और बाकी ट्रेनों में एहसास होता है, जैसे इधर उधर हिलती रहती है, वैसे भाई बिल्कुल नहीं हिल रही है, एकदम स्मूथ सा चल रही है। ये देखो भाई जिस विंडो की मैं बात कर रहा था अपने साइड वाली विंडो ऐसी है कि इतना गंदा है कि बाहर का कुछ देख भी नहीं पा रहा हूँ मैं, ना आपको दिखा पा रहा हूँ। और ये है भाई रखने के लिए, जैसे फूड वूड रखने के लिए कुछ भी हो तो ये भी थोड़ा बहुत टाइट है। और ये टीवी भाई 15 रुपये है, कुछ भी लोगे तो भाई आपको अब परचेस करना पड़ेगा, पहले जैसा नहीं रहा। वंदे भारत काफ़ी बदल चुका है फिलहाल इस महामारी के दौरान। अपनी ट्रेन भाई पहुंच चुकी है कानपुर सेंट्रल, जिसका स्टेशन कोड है CNB। और यहां पे भाई पहुंचाने का टाइम था 10:08 का, लेकिन अपनी ट्रेन यहां 10:12 पे पहुंची है। अपनी ट्रेन अभी 4 मिनट डिले चल रही है। मतलब
डोर्स आर क्लोजिंग। अपनी ट्रेन भाई निकल चुकी है प्रयागराज जंक्शन से, जिसका स्टेशन कोड है PYRJ। और यहाँ पे भाई अपनी स्टॉपेज था 12:08 पे, लेकिन अपनी ट्रेन 12:13 पे आई, मतलब 5 मिनट डिले आई यहाँ पे। Passengers boarding from Prayagraj Junction. Station in the 2, 2, 4, 3, 6 New Delhi Varanasi Junction Vande Bharat Express. भारत एक्सप्रेस में प्रयागराज जंक्शन स्टेशन से चढ़ने वाले सभी यात्रियों का स्वागत करती है। नेक्स्ट स्टेशन इज वाराणसी जंक्शन स्टेशन। लोग भाई पहुंच चुके हैं वाराणसी जंक्शन, ये देखो सब उतरने के लिए तैयार है। और अपनी ट्रेन यहाँ 10 मिनट पहले पहुंच चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ट्रेन भाई मतलब ऑन टाइम ही रही है, बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचाया हमें। और भाई जर्नी एकदम फर्स्ट क्लास थी, आगे आप देख सकते हो रिव्यू,